वेलकम बैक ब्लेडर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सभी की वजह से मैं भी हमेशा की तरह बढ़िया हूँ। सो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज जो अनबॉक्सिंग होने वाली है वो होने वाली है मेटल सीरीज के सबसे स्ट्रांग बेगी भी कह सकते हो। तो ये है पार्सल हमारे सामने, तो करते फटाफट से कैसे हमारे वाली अनबॉक्सिंग। लेकिन पहले ही बता दूँ, ये अपने रेपिडिटी वाले डियाब्लो नेमेसिस और प्रोटो नेमेसिस है, तो कोई कमेंट मत करना कि ये फेक है, पहले ही बता रहा हूँ। तो करते फटाफट से एक ASMR वाली अनबॉक्सिंग। सो ब्लेडर्स, अनबॉक्सिंग तो आप सभी ने इंजॉय कर ली, तो बताया तो उसके साथ हमारे को क्या क्या देखने को मिलता है। ये गाइस फ्लेम ब्रांड वाला हमारे डियाब्लो नेमेसिस और प्रोटो नेमेसिस है, मतलब है तो रेबिलिटी का लेकिन फ्लेम ब्रांड की पैकिंग में आता है। तो इसके साथ गाइस हमारे को प्रोटो नेमेसिस के साथ देखने को मिला हमारा पूरा प्रोटो नेमेसिस। और इसके साथ भाई ये बात बढ़िया होती है कि हमारे को फ्लेम ब्रांड वाले एक्स्ट्रा जो होते हैं पार्ट्स भी देते हैं, जैसे कि इसमें हमारे को आप देख सकते हो हमारे को वाइट डिफेंस परफॉर्मेंस स्ट्रिप देखने को मिल रही है और ये खुल क्यों नहीं रहा एक सेकेंड। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो इसके साथ हमारे को अपनी वाइट डिफेंस परफॉर्मेंस चिप और स्प्रिंट ट्रैक देखने को मिलता है और ये टूल भी देखने को मिलता है। और एक गाइस ये एक्स्ट्रा हमारे को बोल्ट फेस बोल्ट भी देखने को मिलता है। और उसके अलावा डियाब्लो नेमेसिस के साथ हमारे को देखने को मिलता है ये पर्पल कलर का स्प्रिंट ट्रैक, मेरे को समझ नहीं आ रहा वैसे कौन सा है। और ये कोई सी स्टेमिना टेप है, ये तो पक्की बात है। और अगर बात करें हमारे बेस की तरफ तो ये हमारा प्रोटो नेमेसिस जो कि गाइस देखने में कहने को फेक है लेकिन भाई क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और बिल्कुल सिमिलर, कुछ भी आप डिफरेंस बता नहीं सकते हो। और उसके अलावा ये हमारा डियाब्लो नेमेसिस जिसकी गाइस स्टिकर्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी और लगे हुए आप देख रहे हो कि कितना शानदार लग रहा है हमारा डियाब्लो नेमेसिस। और हमारे को गाइस के साथ एक ये लॉन्चर भी देखने को मिलता है रिपकॉर्ड, जिसकी क्वालिटी सही है, वो तो चला के पता चलेगा लॉन्च करने के बाद। तो इसके गाइस रिव्यू तो नेक्स्ट वीडियोस में आएगा इनका, तो बस एक बार टेस्ट स्पिन करके देख लेते हैं इनकी। और अब गाइस आइडियाज आपको देने कि इनके साथ किस किस बेस की और कैसी कैसी बैटल्स देखना चाहते हो। तो गाइस ये शायद से अटैक मोड है डियाब्लो नेमेसिस का, जो कि भाई देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है और घूमते हुए काफी शानदार लग रहा है हमारा डियाब्लो नेमेसिस। तो और गाइस इसमें हमारे को एक मतलब इसके जो मोड है वो भी चेंज कर सकते हैं हम। रुको, मैंने भी देखा था, तो ये देखो जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो इसकी ये टिप जो है इस तरीके से दो टाइप के मोड में स्विच कर सकती है। ये इसका अटैक मोड है मेरे ख्याल से, और इसमें इस टाइम पे शायद से स्टेमिना की तरफ परफॉर्म करेगा।
और इसमें भाई मतलब एक ही मोड नहीं है, उसके अलावा भी काफी सारे मोड है। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस अभी स्टेमिना टाइप हो गया, पहले अटैक टाइप था। तो भाई स्पीड भी काफ़ी अच्छी है और लॉन्चिंग पावर भी काफ़ी अच्छी है लॉन्चर की वैसे। और अगर बात करें अपने प्रोटो नेमेसिस की तो करके देखते हैं 3-2-1 एंड लेट इट रिप। तो भाई काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है यार, सीरियसली मैं काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। तो भाई मैं ये कहूँगा अगर आप में से किसी को लेने हैं डियाब्लो नेमेसिस और प्रोटो नेमेसिस सस्ते में, तो भाई आप रैपिडिटी वाले फ्लेम ब्रांड के ये वाले बेस बिल्कुल ट्राई कर सकते हो भाई, सीरियसली रिकमेंड करूंगा। क्योंकि भाई कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और आपको डियाब्लो और प्रोटो नेमेसिस को चलाने का मज़ा भी मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में तो इतना ही था, तो इनका रिव्यू जल्दी आने वाला है। तो आउटरो बोलो ब्रो फटाफट से। तो गाइस अगर वीडियो में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, हां इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है तो फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।